सारी संगत बतूला जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार विच आप जी सारे जुड़ के बैठे हो। श्रीमान संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज कुटिया साहब वाले महापुरुष आप जी को पता भी जिन्हों का जन्म दिहाड़ा कल। सारी संगत बड़े प्यार अज भी रल मिल के मना रही है। बहुत प्यार भाई भूपिंदर सिंह जी हाजिरी कर रहे थे। सिंह साहब जो अपना तत्काल स्थान बहुत वड्डा स्थान आप सारे को पता भी शीशगढ़ साहब जो हिंदू धर्म की रक्षा लिए गुरु तेग बहादुर ने शहीदी दी उस महान पवित्र स्थान तो सिंह साहब जी आए हैं। सिंह साहब जी को बेनती है पिछली बार जो सिंह साहब जी आए थे रकाबत साहब जी ने सारी सेवा निभा से उत्थे की हैड ग्रंथी से हूँ सिंह साहब जी शीशगढ़ साहब जी के हैड ग्रंथी ने। आप जी को पता भी बहुत प्यार बहुत अच्छे तरीके कथा करते हैं। तो तकरीबन 10:30 बजे तक सिंह साहब ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी वो हाजिरी भरनगे तो 10:30 बजे सारी समाप्ति हो जाएगी। जो कल के समागम ने उन्हें संगत टिकी हुई है मैं एक मिनट च बोल दिता वा कि कल के सवेरे 7:30 बजे सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू होने दे 9 बजे तक सुखमनी साहब जी के पाठ चलन दे और 9:30 बजे पूरी समाप्ति हो जाएगी पहले दीवान की। उसके बाद फिर अगला दीवान तकरीबन 11 बजे शुरू होएगा जिस विच भाई कुलविंदर सिंह जी भाई गुरदीप सिंह जी राजेवी जी दास उसके बाद फिर सिंह साहब ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी फिर भाई भूपिंदर सिंह जी सारे रल मिल के हाजिरी भरनगे। 2 बजे पूरी समाप्ति हो जाएगी। कल जो दीवान तकरीबन पहले भूपिंदर भीर जी अज बैठे ने ते कल भूपिंदर भीर जी कल बाद बैठे ने सिंह साहब जी पहले बैठे ने ते जिन्होंने भी कथा का आनंद माणना आप जी पहले आयो सिंह साहब जी पहले बैठे ने तकरीबन 11 बजे के लागे आप जी सारे दर्शन देना हूँ सिंह साहब जी हाजिरी भर रहे बड़े प्यार में फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा। एक बेनती हो रही थोड़े चरणों में जो संगत बाहर है ये बहुत भागा के नाम समा मिलता है जो संगत सेवा नहीं कर रही है इवें ही आप जी टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो तो आप जी अंदर आ जाओ लाहे लो और सारा समागम कुटिया साहब चैनल पर लाइव जा रहा। अगर थोड़ी कोई भी संगत बाहर बैठी है आप जी उन्होंने बेनती कर सकते हो यूट्यूब से जाके कुटिया साहब चैनल लिखो कुटिया साहब चैनल से सारा समागम लाइव चल रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की वाहेगुरु साहिब जी वाहेगुरु साहिब जी भगत बचन सुनो तो निराश हृदय पतत पावन सुनिया साहिब धारो भगत बचन सुनो तो निराश हृदय पावन सुनिया साहिब धारो अंतर जामी सुन कंपत होय अंतर्गत दीन खुदयार सुन पहे परम टार हो जलधर संगम कह फल चंदन सुगंध सनबंध में लगा रहो अपनी करनी कर नरक न पाऊ तो तुमरो बिरद कर आसरो संभार अपनी करनी कर नरक न पाठ तुमरो बिरद कर आसुर संभार कोट पराध हमारे खंड अनक विधि समझा
हमें ज्ञान अल्प मत धुरी। तुम्हें अपन बिरद तुम्हारी शरण तुम्हारी आस तुम ही सजन सुहिले। रख रखन हार दयाला नानक करके भूले। दस शमा जले एक महफिल में उन सब की लो तो एक ही है। दस शमा जले एक महफिल में उन सब की लो तो एक ही है। दस गुंचे रंग बिरंग खिले उन सब की महक तो एक ही है। दस गौरवों एक माला के उन सब की चमक तो एक ही है। दस संत मिले दस भीषों में हृदय की चहक तो एक ही है। हर रंग में हमको मिलते हैं ओ बाबा नानक शाही गुरु। हर रंग में हमको मिलते हैं ओ बाबा नानक शाही गुरु। सब संगत शीस निभाए को मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। सब संगत शीस निभाए को मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। मेरे मनो न विसरे मेरे मनो न विसरे मेरे मनो न विसरे मेरे मनो न विसरे मेरे मनो न विसरे। करनों ने दया वह दाए करनों ने दया वह दाए कर सब थाई होए सहाय
गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का रूप स्वरूप खालसा सात संग जी आप बड़े भागी हो साहिब नसीब हो उत्तम कर्मा वाले हो जो बड़ी ही भावना सहित हर साल की तरह जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय बलवंत धन 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 जम आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संग चित आवे आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक इस जन को सदा नमस्कार। इहो जिहियां कमाइयां वाले महापुरख सन्मान सत्कार योग संत बाबा सुखदेव सिंह जी जिन्हां दे जन्म दिहाड़े दीआं खुशियां आप सारे हर साल मनाउंदे हो इस लई तकरीबन तकरीबन जिन्हें भी महापुरखां दे वेले तों उन्हां तों पहलों जां बाद दे परिवार इस शहर विच जां इस पूरे इलाके विच आके वसे ने मैनू नहीं लगता कि कोई भी परिवार ऐसा होवे जेड़ा परिवार महापुरख जथेदार महापुरख संत बाबा सुखदेव सिंह जी का वो किसी ना किसी रूप में ऋणी ना होवे। आप संगत चो बहुतियां दे वड़ वडेरियां ने उन्हां दी संगत कीती नेड़ता माणी उन्हां दी नेड़ता दा जो प्रभाव ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ चंदन ओनू अपनी खुशबू दिंदा है। पारस का अपना सुभाव है जिहड़ी कोई धात उस पारस नाल छूवे संगत करे ओनू पारस सोना बना दिंदा है। पर एक महापुरख का गुण एक महापुरख का सुभाव है कि जिहड़ा ओहदे नाल छो जाए ओहदी संगत करे ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੂਬ ਹੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਮੈਂ ਅਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬੜੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ ਵਹਿ ਲੋਹਿਓ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਝਲਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਝਲਕਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
संत बाबा सुखदेव सिंह जी, वड्डे महापुरख संत बाबा दलेर सिंह जी महाराज शाहबाद मारकंडे वाले, उन्हां नाल जुड़े हैं जो उन्हां दी संगत कीती है। ते फिर अगला काम जिहड़ा वो अपने आप हो जाना चाहिए है। फिर साड़ी बोली चों, साड़े विहार चों, साड़े किरदार चों, साड़ी खिलाक चों, साड़े रहन सहन चों, उन्हां दी संगत दे गुण वो लाजमी झलकण। उही गुण सीखण वास्ते आपां इह जतन करदे आ, वार वार आउंदे आ। सतगुरु कृपा करन, मेरे तो पहला गुरु के बहुत सत्कारयोग कीर्तनीय भाई साहब भाई भुपेंद्र सिंह जी, उन्हां पासों आप जी ने कीर्तन का आनंद माणिया, विचारां दी आरंभता करिए। इसे तरह आप जी टिक के एकाग्रता बना के रखियो। तुहाडी जिंदगी च, मेरी जिंदगी च अनेक ऐसियां रातां ने जिहड़ियां आपां सारी सारी रात रो रो के तड़फ तड़फ के कढ़ियां ने। बाकी छोड़ो, माड़ी जी दाड़ दुखण लग जाए, सारी रात आपां किदां कढ़दे हां आपां चंगी तरह जाणदे हां। किसी भैण भरा नूं दूर दुराडे बैठे कोई दुख संताप लग जाए, सारी रात आपां नूं नींद नहीं आउंदी। किते खुशी दे विच, किते गमी दे विच, कई बहुत खुशियां व्याहां शादियां त्यादक विच सारी सारी रात आपां जाग के कढ़ी। कई एक नहीं, जिंदगी दियां कई रातां, अपनी जिंदगी दियां कई रातां आपां विलक विलक के रो रो के संताप विच, चिंता विच, गम विच, फिक्र विच भी गुजारियां। ना हस के गुजारियां रातां दा कोई सानूं लाभ, ना किसी दुख पीड़ा करके रो के गुजारियां रातां दा सानूं कोई लाभ है। जीवन में जे किसी नूं जागण दा लाभ है रात दा, तो इस समय जागण दा लाभ है जागना, जागन नीका, हर कीर्तन में जागना। सो सतगुरु पातशाह जी कृपा करे, तन करके जागण दे आदि बनो। तन गुरु दे शब्द तो सदके कुर्बान होण वास्ते निंदरा नूं त्याग के जागण दा आदि बन जाए। तन की बनी हुई ये आदत मन तक पहुंच जाए, ते सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई, वो सुता मन भी किते जाग जाए। मन सुता तां जागेगा जे तन करके जागण दे आदि होवांगे, तन करके जागण दा सुभाव बनावांगे। इसे तरह एकाग्रता बनायो। आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश कीती, गुरु फतेह प्रवान करो, आसीस चोली पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी विच अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दे टिकाने दा कोई एक सटीक पता नहीं दसिया भी यह कहा जाए कि परमात्मा इथे ही वसदा है। सगो जिन्हां लोगों ने यह दावा किया, पावन बाणी में उन्हां दे ख्याल साहब जी ने अंकित किए। एक ने कहा दक्षण देश हरि का वासा, दूजे ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल झूठ है, क्यों चढ़दे वाला नहीं है। पच्छम अलोह मुकामा, खुदा का मुकाम जो है, खुदा का टिकाणा जो है वह लेंदे वाला है। एक विचारे दस दी है कि खुदा का निवास केवल मक्का काबा, खाना खुदा मक्का। गुरु नानक पातशाह जी उत्थे गए, साखी आप जी बड़ी बार सुनते हो। साहब जी ने दसिया भी नहीं, केवल इको थां ते। इस गल नाल साडी सहमति है कि खुदा इत्थे वसदा है। इहदे च असी मुनकर नहीं, पर इस गल नाल सहमत भी नहीं कि खुदा केवल इत्थे वसदा है, इस थां तों बिना किते होर नहीं वसदा। अल्लाह एक मसीत बस्त है, और मुल्क किस केरा। जे वह दावा करे कि अल्लाह का निवास केवल मसीत विच है, किते होर नहीं, ते मेरे गुरदेव की बाणी आखदी फिर बाकी मुल्क च कौन वसदा है। एक विचार फिर होर सामने आई, हिंदू मूर्त राम निवासी,
आ जिहड़ी मैं मूर्ति बनाई है रब इहदे च ही वसदा है। ते गुरदेव ने कहा नहीं मैनूं दोनों गल्लां ठीक नहीं लगियां, दो मैं तत ना हीरा, दोवें गल्लां सटीक ठीक नहीं, एको रब इत्थे है ठीक है, पर जे को रब सिर्फ इत्थे है इस तों बिना किते होर नहीं ये गल गलत है। फिर पूछिया भी कितने है, साहब ने कितने ते दसिया सब घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोली रे। अकाल पुरख वाहिगुरु सारे थावां ते है, जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है ना बाढ़ घाट होत है, सारे थावां ते है। किसी ने कहा पत्थर विच है, साहब ने कहा पत्थर विच है, जो सारे थावां ते है तो पत्थर विच भी है, ये नहीं कि पत्थर च नहीं। पर जे आखो भी सिर्फ पत्थर विच है, एक कलगियां वाले पातशाह कहिंदे फिर की आखोगे, सूरज मैं सस मैं नभ मैं जय हीरो तहां चित लाए तहां, पावक मैं अर पौन हूं मैं पृथ्वी तल मैं सो कहां नह जाहि, व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन मैं परमेश्वर नाहीं। सतगुरु जी की इलाही पावन बाणी का आप जी कीर्तन सरवण कर रहे से, एक परमात्मा के पते का सतगुरु जी ने यह जिक्र किया भी वह हर एक थां ते है। हुण जदों कह दिए भी हर एक थां ते है, तो उन्हूं फिर इस ख्याल नाल लभना भी मुश्किल है, है ही हर एक थां ते, हर एक थां ते। हुण जदों तक बिल्कुल आपां नूं पक्का पता ना होवे ते हर एक थां तों किवें लभ लईए। आप जी एक बचन सुन रहे से कीर्तन राही, उतों मैं मेरा प्रकरण बनिया ख्याल से कुछ होर। कबीर जी के श्लोकों में पहला श्लोक है, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। सिमरनी का अर्थ है माला लेंदे ने, माला के दोनों पक्ष गुरमत विच आए ने, और दोनों पक्ष कबीर जी ने कहे ने, माला फेरन दा भी और माला फेरन दा ना भी। एको जिक्र करते ने भी मेरी माए आखदी है जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। कबीर जी उदो माला फेरदे ने, और जो माला फेरदिया 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 ज्ञान है कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म है नास, ये अवस्था बनी। तो फिर आखते ने कबीर मेरी सिमरनी, मेरी सिमरनी मेरी माला की है रसना ऊपर राम। मेरी रसना ते उस वाहिगुरु जी का नाम राम, राम तो भाव रमिया होया जिहड़ा सारी जगह ते मौजूद है। वह पूछिए भी कबीर साहब ये तुसी कोई नवा वखरा तो नहीं कम कर लगे कि लोग तुहाडे नाल सहमत ना हो। कबीर साहब कहिंदे नहीं मैं कोई नवा वखरा नहीं, आदि जुगादी सगल भगत ये मैं नहीं, मेरे तो पहला आदि तो लैके जुगा जुगांतरा तो लैके सगल भगत सारे भगत आई करते रहे ने। की करते रहे ने? रसना उपर राम, अपनी रसना ते उस वाहिगुरु दा रमे हुए दा मालक दा नाम लेंदे रहे जपते रहे, ता को सुख बिसराम, आदि जुगा दी सगल भगत ता को सुख बिसराम। और जपण वालियां दे जीवन दा सहज दा टिका दा आनंद दा खुशी दा प्रसन्नता दा कारण ही रसना उपर राम है। सतगुरु जी दी पावन बाणी विच जिज्ञासु दे सवाल रूप एक जिक्र आउंदा है, वो जिक्र बड़ा कमाल दा, वो गल वखरी है कि आपां दो चार गल्लां दे इर्द गिर्द जिहड़ा ना सारा गुरमत सिद्धांत समझदे आ कि गुरु कोल आओ आ मंग मंग लो, जे कुछ मिल गया तो शुकराना कर दो, नहीं मिलिया फिर मंग लो, मिल गया शुकराना कर दो, आ दो चार गल्लां दे उत्तर। जे इन्हां ख्यालों तो थोड़ा जिहा वक्ख हो के साहिब जी की पावन बाणी नूं पढ़िए विचारीए तो बड़ा कमाल दा कि बचन आउंदा है। देहो संदेसरो कहियो प्रिया कहियो, देहो संदेसरो कहियो प्रिया कहियो,
हे मेरे प्यारे, मैनू एक सुनेहा दे, एक गल दस, मैनू कोई गल समझा, मैनू कोई रमज दस समझा। मैं भुलेखे विच आ, मैनू कोई रस्ता नहीं दिख रहा, दस की होया, क्यों नहीं रस्ता दिख रहा, की पूछना, की समझना है। बिसम पई मैं बहु बिद सुनते, कहो सुहागन सहियो। मैं रब दे ना टिकाणियां बारे सुन सुन के बिसम हैरान हो गई हाँ, हैरान हो गई। कोई कुछ दसदा, कोई कुछ दसदा, किसी ने कोई तरीका दसिया, किसी ने कोई तरीका दसिया, किसी ने क्या इधर कि नहीं, किसी ने क्या इधर। लोगों के कह कवाए गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन पढ़ लो, 60 साल इस तरह ही लंघ गए। किसी ने कहा तुलसी की माला फेर के, दूजे ने कहा नहीं नहीं गंगा ते जा, तीजे ने कुछ होर दसता, चौथे ने सारी उम्र आई नहीं इतने, 60 साल की उम्र च जाके भतीजे नो बीबी अमर उन्हें दसिया कि पिता जी जो कुछ तुम करते हो ठीक नहीं, रस्ता तो कुछ होर है, तुम कित हो तुरे। दियो संदेसरो कहियो प्रिया कहियो, बिसम पई मैं बहु बिद सुनते, कहो सुहागन सहियो। फिर पुछिए कि पुछिए ओनू जिहड़ा आप जुड़िया है ते जिहड़ा आप पहुंचिया, पता तो ही दसेगा ना, जिहड़ा जुड़िया है जिहड़ा पहुंचिया वो ही दसेगा ना, दूजा की दसेगा। तो फिर इतने एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। गुरबाणी आखदी फिर जिन्हों पता है ना वो रौला नहीं पाते, वो भी करते, वो करते ने हून नजीक खुदाए दे भेद न किसे दीन। कोई महापुरख बाबा सुखदेव सिंह जी वर्गा बंदगी करने वाला है, किसी इलाके दे विच बरसात ना हुई ते लगे इलाके दे लोग इकट्ठे हुए भी हालत बड़ी माड़ी है, बरसात नहीं हो रही, की करिए। किसी ने कहा रब दे नाम जपण वाले ने चले जाओ, रब उन्हां दी सुनदा है, उन्हां दी मनदा है। आए हैं तुहाडा बड़ा जस सुन के आए हैं, साडे इलाके विच बरसात नहीं हो रही, कृपा करो कोई अरदास जोदड़ी करो, रब थोड़ी गल मनदा है, मीह पवा दिओ। हुण नजीक खुदाई दे भेद ना किसे दे, वह जनाउंदे ही नहीं किसे नूं, वह भेद ही नहीं दिंदे। उन्हां कहा भी मित्रो तुसी आए हो थोड़े दिन लेट, पहला आउंदे ते मैं रब नूं कहिंदा ते शायद कम बन जांदा, हुण नहीं जे बनना। आंदे हुण की होया, अदे हुण होया यह है भी कई दिन तो अपनी रब नाल बिगड़ी है, अपना रोना हसना सौना जगना परिवार लई अपने लई पैसे लई कपड़िया लई, पर जिहड़े जुड़े ने ना उन्हां दा हसना भी उहदे लई, उन्हां दा रोना भी उहदे लई। रंग हसै रंग रोवै चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी, बाज सच्चे ना एक तो बिना उन्हां नूं किसे दी परवाह नहीं होती। उहदी याद विच हसदे ने, उहदी याद विच रोंदे ने, उहदा उहदा प्यार भी उहदे नाल, उन्हां दा गिला शिकवा भी उहदे नाल। कहिंदे भी कुछ दिनां तों ना अपनी रब नाल बणदी नहीं, अपनी बोलचाल बंद है, ते जिथे बोलचाल बंद होवे उत्थे फिर बंदा किसे दा कम करदा नहीं सगों विगाड़दा। वो आंदे भी नहीं महाराज साढ़े ते कृपा करो, असीं बड़े दुखी होके आए हैं और बड़ी आस लैके आए हैं भी तुसीं मीह पवा दिओ, भी ते मीह पवाओ। उन्हें कहा तुहानूं किया भी मैं जो रब नूं आखांगा रब ने वो मनने नहीं बल्कि उस तों उल्ट करना है। आंदे जी असीं ते नहीं जाना, वो कहिंदे चलो तुसीं ना जायो पर मेरी गल ते यकीन ते करो ना कि रब मेरी नहीं मनदा। जे मैं आखांगा मीह पा दे उन्हें पवाउणा नहीं, जे आखांगा ना पवा फिर वह पवाएगा उल्टा करेगा। आंदे जी असीं किदां मन्नीए, कहिंदे हुणे वेख लिओ। महापुरखां दे कोल जो कुछ लंगोटी चादर इत्यादि कोई कपड़े बस्त्र सी,
नदी च उतरे वो कपड़े बस्तर धोते इशनान किया कपड़े सुकने पाए जोर दी मीह आ गया। जिवें जोर दी मीह आया उन्हां लोकां नूं क्या देखिए मेरी रब नाल बनदी नहीं, मेरी रब नाल बोलचाल भी बंद है ते मैं अपने कपड़े सुकने पाए ने भी सुक जाण, उन्हें मीह पवाता भी मेरे कपड़े ना सुकण। ते तुहानूं मैं पहले ही कहा सी भी मेरी उहदे नाल बोलचाल बंद है भराओ, मेरे आखे रब कख नहीं जे करदा। मेरा मकसद सी कपड़े सुका लवां, उन्हें मीह पवा के होर गिले कीते कि अजे भी तुहानूं यकीन नहीं। वो बेचारे सीधे साधे से उन्हें कहा भी बाबा ठीक ही आंदा, तुर गए तुर गए भी बाबा ठीक आंदा। बाबे की रब कित्थे सुनदा, इहदी सुनदा हुंदा ते इहदे अपने ना कपड़े सुकदे। अपने इलाके च आके जो दसिया ना मीह 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 मीह, कहते भी पाता बाबिया ने मीह, कहते नहीं नहीं बाबे ने मीह की पवाना, बाबे की तो रब नाल बनती नहीं। जिस सियाने बंदे ने भेजिया सी ना उन्हें कहा कमलिया मीह पवाया ही उन्हें है, पर उहदा सुभा है जिहड़ा कुछ कर सकता वह जड़ाउंदा नहीं, जिहड़ा कुछ भी नहीं कर सकता वह कोठे चढ़ के रौला पाउंदा। अज आई हालत है ना, अजाई हालत है जिन्हां दे पल्ले कख भी नहीं रौला पाउंदे ने, मया करदा जी मया करदा जी ये जी। और जिहड़े सब कुछ करन वाले सब को तेरे वस अगम गुजरा, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा, उन्हां ते सारी जिंदगी नंगे पैरी ते भगवे कपड़िया च गुजार दित्ती, जिहड़े सारा कुछ करन दे समर्थ सी। हुण किन्नूं पुछोगे, उहनूं जिहड़ा पहुंचिआ जिहड़ा मिलिया जिहड़ा जुड़िया, जां उहनूं जिहड़ा सिर्फ जुड़े हुए दीआं गल्लां करदा। ते जे गल्लां ही करदीआं ने ना ते गल्लां दे नाल कम बणदा नहीं। खंड खंड कहे जेबां ना स्वाद मीठो आवे, खंड खंड आखो शक्कर आखो गुड़ आखो, वधिया तो वधिया मठियाई का नाम लो, ते ओ नाम लैण दे नाल जबान ते मिठे का स्वाद ते नहीं ना आ जाना। खंड खंड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कहे सीत ना बना सके, हुण ठंड है ते जे कोई बंदा जतन करे धूआं ताप ले अग बाल ले ते फिर ते उहदी ठंड दूर हो जाएगी, सर्दी तो बच जाएगा। ते ठंड च बैठा अग अग आखी जावे, अग अग कहण दे नाल सर्दी तेनूं ना दूर होणी। बैद बैद कहत रोग मिटत ना काहू को, कोई रोगी बंदा डॉक्टर का नाम ले जा फलाना डॉक्टर बड़ा चंगा वह बड़ा चंगा 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 आखण ना किसी का रोग तो नहीं ना दूर हो लगा। दर्ब दर्ब कहे को दरबे ना बिला सके, बंदा मेहनत करे ना जतन करे ना हाथे हथ रख के बैठा रहे, पैसा पैसा आखी जाए तो पैसा पैसा कहण नाल जेब तो नहीं ना भर चली। चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबह सुबह, चंदन चंदन की रट लाया नासा नूं चंदन की खुशबू ते नहीं ना आ चली। चंद चंद कहे उजे अरुणा प्रगास है, मसिया की रात होवे बंदर बंदा सारी रात चंद्रमा चंद्रमा की रट ला के बैठा रहे ते चंद्रमा चंद्रमा कहण नाल मसिया की रात नूं चानण ते नहीं ना होगा। ठीक इस तरह तैसे गुर ज्ञान गोष्ट कहत न रहत पावे, करनी प्रधान पान उदत आकाश है। इस तरह इस मार्ग विच गल्लां नाल कख नहीं हुंदा, गल्लां नाल ते वैसे ही कख नहीं हुंदा, पर इस मार्ग विच ते गल्लां नाल कख नहीं हुंदा। हुण साडी हालत की है, साडी हालत यह है तुसीं ना जिहड़े मर्जी फील्ड का बंदा होवे, धर्मी होवे पापी होवे पुन्नी होवे अपने आप नूं साधु कहावे संत कहावे जो मर्जी, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी पढ़ के ना आईने चो वेख सकता भी मैं कित्थे खलोता है, सतगुरु नूं दिखाउंदे हुण जिहड़े गल्लां करदे ने ना उहनां दी हालत की है। हालत सुणियो, गल्ली असी चंगीआं आचारी बुरीआं, गल्लां बड़ियां चंगीआं भी गली बाती ते पुछो ना, जगह जगह डेरे जगह जगह गल्लां बातां बड़ी चंगी, पर जदों जाके वेखो नेड़े हो के ते फिर बाबा सुखदेव सिंह वर्गा नहीं जे लभदा, ये हकीकत है नहीं लभदा।
जो नेड़े जाके वेखोगे ना फिर बाबा दलेर सिंह महाराज वर्गा नहीं कोई लगता भी जरा अंदरों भी बहरों भी इको जहा हो जहा नहीं जो लगता तो जेदा अंदरों बहरों फर्क हो दुनिया के लोग लखा मत्था टेकन उन्हों गुरमत संत नहीं मनता गुरमत उन्हों संत नहीं मनती जो अंदरों कुछ होर बहरों कुछ होर गुरमत संत उन्हों मनती है दिलों मुहब्बत जिन सही सचया जिन मन होर मुख होर सिकांडी कचिया लोगों में बैठे तो होर अंदर बैठे तो होर नहीं योजा नहीं फिर मिलता मिलता तो बहुत ने पर फर्क आया भी गलिया असी चंगी आचारी बुरिया मनो कुसुदा कालिया बाहर चिटमिया ते करदे की ने रीसा करे ते नाड़िया जो सेवे दरखड़िया रीसा करदे ने उन्हां दीआं जिन्हां ने सारी जिंदगी लेखे ला दित्ती जिन्हां ने पहरा दिता दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए हुण गल्लां बातां करन वाले उन्हां दीआं रीसा किदां कर लैणगे रीसा करे ते नाड़िया जो सेवे दरखड़िया नाल खसमे रतियां वो तो कसम के भेद हुई ने रतियां ने हर हर जन दुई एक है बिब विचार किसना रतियां माने से जड़िया फिर उन्हों का गुण वेखो होंद तान नितानिया रहे निमानिया सब कुछ कोल होंदिया होया भी वह निताने बन के रेंदे ने निमाने बन के रेंदे जो गुरमत सिखाउंदी है मन तू मत माण करें जे हो किसे जान दा गुरमुख निमाणा हो जिन्ना निम्रता निमाणा होगी आवेगा तिवें तिवें झोली भरेगी रंग लगेगा बेनती कर रहा सा भी जे तो सिर्फ गल्लां ते गल्लां दी हालत है गल्लां दे पकौड़े तलने ने जिन्हें मर्जी बंदा तले जाए नहीं कख नहीं होता ते जिहड़ा सच्ची तुरना चाहुंदा कुछ करना चाहुंदा ना वो रस्ता लभदा सियाने लोग आखते ने पानी नू समझण वास्ते पानी के गुण जानण वास्ते पानी की प्राप्ति लई किसी ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं सिर्फ प्यास की जरूरत है प्यास लगे ना बंदा खूह पुट के पानी पी लेगा पानी नू समझण वास्ते प्यास की जरूरत है और रब नू जानण वास्ते अंदर दी तड़फ अंदर दी प्यास दी जरूरत है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी तक बचन पढ़ियो रब नहीं मिलिया रब का कोई पता नहीं लगा उहदी बंदगी नहीं कीती उहदा नाम भी नहीं जपिया उहदे रस्ते ते एक कदम भी नहीं तुरे पर मन विच उहनू मिलन दी एक लालसा है इच्छा है कीता कुछ भी नहीं अजे सिर्फ अंदर एक इच्छा ते जेदे अंदर इच्छा बन गई ना जेदे अंदर प्यास बन गई उन्हूं मिलन दी उहदे दीदार करन दी ते सतगुरु जी की पावन बाणी आदि उहो जे बंदे नाल संग करके मेरा भी पार उतारा हो जाएगा बचन तुहानूं याद होणगे कांखी एकै दरस तुहारो बंदगी नहीं कीती रब दे राह ते तुरिया नहीं रब मिलिया नहीं कुछ भी नहीं कीता सिर्फ अंदर तड़फ उठी है प्यास उठी है कांखी आकांक्षा तो हिंदी चंगी तरह समझ दियो आकांक्षा इच्छा जिज्ञासा लालसा तड़फ प्यास ये उठी है ते जे आ प्यास उठ गई ना तड़फ उठ गई प्यास लागी ना बंदा पानी तक पहुंचेगा प्यास नहीं है समुद्र के कंढे ते भी तुरिया फिर उन्हें पानी दिखाई ना पाएगा और जिन्हों लगी तड़फ अंदरों फिर वो गुरु को आके ज जुड़िया हुआ को आके नाम जपन वाले को आके नहीं आकेगा मेरी पैली दे किले वध जान मेरा घर वड्डा हो जाए आ हो जाए नहीं वो आ पूछेगा देहो संदेशरो कहियो प्रिया कहियो बिसम भई मैं बहु बिद सुनते कहो सुहागन सहियो मैनू पता लैना है रब का रब बारे दसो
बहुत तरीके सुन सुन के मैं हैरान हो गई हूं, क्यों को कह तू सब बाहर बाहर, को कह तू सब महियो। कोई आखदा जंगल विच नहीं, कोई आखदा घर है, कोई आखदा नहीं तीर्थ ते, किथे लगा। सो स्थान बताओ नीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, वो पता तो लगे किथे। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, बरन ना दिस है चेहन ना लखी है। हम मेरे कोई पैमाना नहीं, मैनू वेख सका समझ सका, क्योंकि ओदा गुण ते भी दसिया कि चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के। आई सारिया चीजा बंदे दी निशानी हुंदिया ने, जितों उन्हों समझिया जा सकता है, उन्हों वेखिया जा सकता, उदी पछाण कीती जा सकती। उदा रंग इदां दा, उदी हाइट इन्नी है, कपड़े इदां दे पाउंदा, बोलदा इदां, इह ते उदा कोई गुण है ही नहीं। फिर वर्ण ना दी से, उदा कोई वर्ण नहीं, उदा कोई रंग नहीं, चेहन ना लखी, उदी कोई खास निशानी भी नहीं। प्यो इस तरह का वो चिट्टे पाँगा कि अज तो असी इन्होंने गलों ची फस गए, अभी तो एक दूसरे की पग वेख के ईरखा करी जाने। जिन्हें मेरे वर्गी पग बधी वो गोल पग वाले वेखे तो आखेगा भी ये पखंडी है, गोल पग वाला साढ़े अर्गे वेखदा आंदा मिशनरी ने जी, ये इन्हों शरदा कोई नहीं, अज तो असी आ कुछ कर लगे। एक दूसरे के कपड़े वेख के निंदी जाने, धोई जाने, पर जदों की यह सिर्फ बाहर का लिबास है, ये गोल बन लो कोई फर्क नहीं पैंदा, नोकाली बन लो तां फर्क नहीं पैंदा, मेरे वर्गी बन लो तां नहीं, इहदे नाल मन नूं की फर्क पैणा है। किते बाहर बढ़ती है लिबास है, मन नूं ते मन दी खुराक नाल ही फर्क पैणा। बरन ना दिस है चेहन ना लखी है, सुहागन सात बुझइयो। जिस दा कोई वर्ण चेहन नहीं, इहदा कोई अता पता नहीं, ना उहदी कोई मां, ना उहदा कोई प्यो, ना उहदा कोई पुत, ना उहदी कोई धी, ना उहदा कोई घर, ना उहदा कोई परिवार, ना उहदा कोई रंग, ना उहदा कोई भेख। इसलिए सुहागन सात, सात का भाव सच, जिहड़े जुड़े ने ना उन्हां नूं पुछिए सुहागन, तुसीं सुहागणा जी मिलियां जी, शब्द हजारे पढ़ते हो ना, जाए पुछो सुहागणी तुसीं रावया किन्नी गुणी, तुसीं दसो सुहागन सात बजाइयो, मैनूं सच दस्यो जी, सच दस्यो, नहीं तो दुनिया नूं ठगण वास्ते जिन्ना सौखा रस्ता धर्म दा है ना, इन्ना सौखा रस्ता लोगों नूं ठगण लई होर कोई नहीं जी। जिन्ना लोग धर्म दे नां ते ठगे जांदे ने ते ठगदे ने, इन्ना सौखा रस्ता होर कोई नहीं है। ते मैं ठगिया ना जावां, जे मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मेरे श्वास व्यर्थ चले गए, उम्र व्यर्थ गुजर गई, जन्म तो लैके कबरां तक का सफर ते जिंदगी नहीं ना, ये जिंदगी ते मिली है भी ये चक्कर वार वार दा खत्म हो, मरण तो पहला उहदे नाल मिल जावां। मरण तो पहला उहदे नाल मिल जावां, कागा करंग ठंडोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैन मत छुइयो, फिर देखन की आस मिलना है। सुहागन सात बजाइयो, मैनू सची दस्यो कि रब कित्थे है, झूठ ना मारो, लिफाफी ना छड्यो, उत्थे चले जाओ, उत्थे चले जाओ, नहीं नहीं सच दस्यो कित्थे। सर्ब निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, बस आखिरी पंक्ति ते समाप्ति। ये सच है कि परमात्मा सर्ब निवासी है, सारे थावां ते वसदा। हुण गल ते फिर उत्थे ही आ गई भी सारे थावां ते वसदा है ते ठीक है, पर मैनू कित्थे मिले, मैं ते नहीं ना सारे थावां तो लभ सकदा, मैनू तो कोई एक पता चाहिए जिथे मिले। तुहानूं कोई दिल्ली तो मेरे वर्गा पुछे जी तुसीं भाजी रहिंदे कित्थे, तो तुसीं आखो जी सुजानपुर, ते मैं 13 साल सुजानपुर दीआं गलियां फिरदा रहांगा, मैं ते नहीं ना लभ सकदा घर किसे दा, कित्थे रहिंदे जी सुजानपुर, ते किवें लभा, ये छोटा किड्डा वड्डा जिला कित्थों लभोगे। एक पता दसो, सर्व निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू ठीक सारे थावां ते वसदा, हर एक हिरदे विच भी वसदा,
रती मात्र ओनू कोई लेप नहीं, ना माया का प्रभाव, ना किसी होर का, ना माया का, ना धन का, ना दौलत का, कोई नहीं। उहदे लई तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। जिहड़ा आप रब होवे उह किसी की माया तो किवें प्रभावित हो जाएगा। जिहड़ा आप रब होवे वह कागज़ के टुकड़िया तो आम बंदा प्रभावित होएगा। वह किवें प्रभावित होवे जिहदी रब मनदा, जिहदी रब सुनदा। तो फिर सतगुरु जी ने कहा भी जे सच्ची एक नूं मिलण दी लालसा ते एक पता चाहिए ना, तो फिर तैनूं एक टिकाणा दसदा। हो सकदा तीर्थ ते जावे ते वह ना मिले, हो सकदा। हो सकदा जंगल च जावे ना मिले, खूह च लटक जाए ना मिले, जटा वधा लए ना मिले, हो सकदा। सालों बदी धूने ताप लै, जल धारी कर लै, भुएंगम पाठियां कर लै, न्योली कर्म कर लै, योगा अभ्यास कर लै, तेनू रब ना मिले, ये हो सकता। पर मेरे सतगुरु आखदे ने भी जेड़ा मैं तेनू पता दसन लगा ना, जरा उत्थे तक पहुँच के देखी, हो नहीं सकता कि रब उत्थों ना मिले। फिर दसिया भी महाराज कृपा करो, दसो कित्थे है। तो सतगुरु पातशाह जी ने फिर रब का जेड़ा असली टिकाणा दसिया ना, आ सुनियो। नानक कहे तो सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। अकाल पुरख वाहिगुरु तीर्थां ते किसनू मिले जां ना मिले पता नहीं, ठीक सारे तां ते वसदा है, पर उहदा असली टिकाणा जिहड़ा है ना, संत रसन को बसइयो, उहदा असली टिकाणा है संत दी रसना। उहदा निवास जिहड़ा ना 24 घंटे जिते मिलेगा, परमानेंट एड्रेस, एक छिन भी जितों वह दूर नहीं हुंदा, वह है साधु की रसना। रब जी बसै साध की रसना, नानक जनका। ते तुहानूं माण होना चाहिए कि तुसी ओहो जे महापुरख की याद में जुड़े हो जिहदी रसना ते आप वाहिगुरू का वास है, जिहदी रसना ते आप परमेश्वर का वास है, ते जिहदी रसना ते परमेश्वर का वास होवे, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ, ਮਨ ਕੀ ਖਟੀਏ ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉੱਠਿਆ, ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ सदी भी रही, दुनिया तक लोग मनाते रहेंगे। जिन्होंने मिलन करके मन के अंदर विकार नहीं आता, सगो जिन्होंने संदड़िया दुरमत वंझ है, मित्र असाडड़ी सही हो टूडेंदी, जग सुभाया जन नानक विरले की। ऐसे महापुरख संत बाबा सुखदेव सिंह जी, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, जिन्हों की रसना ते उस वाहगुरु का रमे हुए का नाम सारी जिंदगी जपाया, जपया ते जपाया। महापुरख संत बाबा दलेर सिंह जी महाराज, सारी उम्र की कीता, एको ही काम कीता। हुण पुछिए भी एको ही क्यों कीता, ये कोई उन्हां दी अपनी मर्जी सी, बाणी ते आखदी एको ही कर, हावन को एक एक को आए एको ही कर। ते बाकी ते बाकी ते गुरदेव आखदे ने, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सारी जिंदगी जे तू करें तो हों की बहु प्रपंच कर, पर धन लिया वे बार, लोगों ने झूठ बोलिया, ठगिया ठोरिया मारिया, लोगों ने लुट के घर आया, सुतदार आपे आन लुटावे, घर आके आप लुटिया गया। तो साहब कहते ने, कामन लोड़े सोइना रूपा, मित्र लोड़ेन सुखा दाता, नानक पाप करे तिन कारण जासी जमपुर बाधाता। यह जे महापुरख जिन्हों की याद में आप जी अज ही नहीं जुड़ बैठे, हमेशा उन्हां दी याद विच जुड़दे रहिंदे हो, हमेशा जुड़े रहिंदे हो, क्योंकि उन्हां नूं मिल के संत रसन को बसहियो, उन्हां दी रसना ते अकाल पुरख वाहिगुरू दा वास है। इहो जे पूरियां नूं मिल के जदों ओह मालक याद आउंदा है, चेते आउंदा है, फिर मन दी मैल कट्टी जांदी है, जीवन सफल हो जांदा। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां साहिबगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा कोटान कोट शुकराना।
समुची प्रबंधक कमेटी का सारे प्रबंधक वीर समुचे स्टाफ का महापुरखों का बहुत ही सन्मान सत्कार योग भैनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अज थोड़ा जहा लेट पहुँचने करके गलती की खिमा सफर का तो पता से भी इतों डेढ़ क घंटा लगना बरेली तो सुजानपुर का पर जोड़ा वो बेच कम बनता है जाम वाला वो नहीं सी पता सो वो करके थोड़ा जहा लेट पहुँचे ये गलती की खिमा क्योंकि संगत हमेशा सर्वोत्तम है संगत वड्डी है असी जाके बैठीए संगत को सुनाने लई संगत की उड़ीक करिए ये साड़ा फर्ज है ये साड़ी सेवा है साढ़े वास्ते संगत को उड़ीक करनी पवे मैं जो समझदा हूँ साढ़े लिए गुनाह है गुरु कृपा करे इस दे गुनाह की इस गलती की दोनों हाथ जोड़ के खिमा कल दे दीवान समय सिर हाजिर होवांगा। अदब सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।